Hey everyone, welcome to my channel. In today's video, I am going to show you this eye makeup look. So, agar aapko interest hai dekhne ke liye how to create this look, then please keep on watching. So, step by step, is look ko main create karke dikhaungi. And also, jo bhi product yahan pe use ki hai, uska link description box mein hai. And you can follow me on my social medias for more update. So, let's start with today's video. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी जेल आईलाइनर से. सो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मेबलिन का जेल आईलाइनर और इसका सबसे आउटर वी पे सबसे पहले एक विंग आईलाइनर क्रिएट करूँ एंड इसको मैं लैश लाइन के साथ साथ ज्वाइन भी कर लूँगी. सो आप देख सकते हो यहाँ पे जस्ट विंग आईलाइनर के जैसे आपको क्रिएट करना है आउटर वी पे. एंड यहाँ पे मैंने एक एंगल ब्रश यूज़ किया है टू क्रिएट दिस विंग आईलाइनर. जस्ट आउटर वी से एक्सटेंड करना है आपको विंग आईलाइनर को. नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ करूँ यू कैन बी का पैलेट और इसमें से जो ब्लैक शेडो है उसको एक पेंसिल ब्रश में लेके जस्ट विंग आईलाइनर के ऊपर से फिर से अप्लाई करूँगी थोड़ा सा और मोर ब्लैक फिनिश देने के लिए. और साथ में विंग आईलाइनर के एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी ताकि मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर पाऊँ इसके बाद जो भी कलर प्लेस करूँगी उसके साथ. सो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट को लेके मैं यहाँ पे ब्लेंड करूँगी विंग आईलाइनर के एजेस को. नेक्स्ट यहाँ पे मैं पर्पल पिंक जो शेड है उसको अप्लाई करूँ. इसमें बहुत फाइन ग्लिटर है जो कि नहीं विजिबल होता है एलिट पे बहुत ज़्यादा, बट दिस शेड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रीटी कलर. तो इसको मैं एक पेंसिल ब्रश के हेल्प से ही अप्लाई करूँ ब्लैक शेडो के बाद में. और इसको मैं क्रीज पे भी थोड़ा सा अप्लाई करूँ थोड़ा सा सॉफ्टली ब्लेंड करने के लिए. इसके बाद मैं ब्लैक शेडो को फिर से अप्लाई करूँ थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स करने के लिए दोनों शेडो को. नेक्स्ट इसके बाद मैं क्रिएट करूँगी कट क्रीज, जिसके लिए मैं यूज़ करूँ एक कट क्रीज ब्रश और उसके साथ में मैं कंसीलर यूज़ करूँ. फ्रंट सेक्शन टू सेंटर लिड तक मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी सबसे पहले एंड देन लिड स्पेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी. सो ये ब्रश बहुत अच्छा काम करता है कट क्रीज ड्रॉ करने के लिए. सो इस टाइप का ब्रश आप यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट कट क्रीज. एंड इसके बाद मैं हुडा ब्यूटी का मर्करी रेट्रोग्रेड पैलेट यूज़ करूँगी और उसमें से जो मॉवी शेड है उसको फिर उसको अप्लाई करूँ जो कंसीलर के एज है उसको ब्लेंड करने के लिए एंड आउटर वी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने के लिए. सो ये पैलेट बहुत अच्छा है. एंड इसके बाद जो शिमरी शेड है उसको मैं अप्लाई करूँ फ्रंट सेक्शन पे जहाँ पे भी मैंने कंसीलर यूज़ किया है उसके ऊपर. सो ये बहुत ब्यूटीफुल कलर है, इसमें फाइन स्पार्कल है जो कि बहुत अच्छा लगता है. सो फ्लड ब्रश के हेल्प से इस शेड को मैं फ्रंट सेक्शन पे अप्लाई कर लूँगी. नेक्स्ट इसके बाद मैं सेम जेल आईलाइनर को अप्लाई करूँगी अपने लोअर वाटर लाइन पे एज माय काजल एंड लैश लाइन के क्लोज क्लोज भी सेम जेल आईलाइनर को अप्लाई करूँ. एंड इसके बाद लोअर वाटर लाइन को थोड़ा सा स्मोक आउट कर लूँगी विद दैट पर्पल शेड, पर्पल पिंक शेड एंड ब्लैक शेडो को आउटर लोअर आउटर कॉर्नर के साइड पे अप्लाई करूँ थोड़ा सा स्मोक की इफेक्ट देने के लिए. नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ करूँ मैक का हाइलाइटर ओ डार्लिंग एंड इसको मैं इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ की हूँ. नेक्स्ट मस्कारा के लिए यूज़ करूँ मेबलिन मस्कारा. सो उसको मैं अपर एंड लोअर लैशेस को कोट करने के लिए यूज़ करूँ. सो बहुत अच्छा वॉल्यूमिनस इफेक्ट देता है ये लैशेस को. इसके बाद मैं ग्लिटर अप्लाई करूँगी जिसके लिए मैं यूज़ करूँ पिगमेंट प्ले का ग्लिटर पैलेट और इसमें से जो लाइटर पिंक एंड डार्कर पिंक शेड है उसको अप्लाई करूँगी सेंटर टू आउटर वी सेक्शन तक. सो ये ग्लिटर पैलेट बहुत अच्छा प्रेस्ड ग्लिटर है, दैट्स वाई आपको कोई अलग से ग्लिटर ग्लू की ज़रूरत नहीं है. सो मैं दोनों ग्लिटर शेड को मिक्स करते हुए अप्लाई करूँ सेंटर टू काइंड ऑफ आउटर वी के साइड पे. एंड इसके बाद जो लाइटर ग्लिटर शेड है उसको अप्लाई कर रही हूँ फ्रंट सेक्शन के ऊपर से. बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये ग्लिटर इफेक्ट के बाद. एंड दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक. इसके बाद मैंने फोर आईलैशेस भी अप्लाई किया है. सो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा आज का ओवरऑल जो आई मेकअप लुक है. सो वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड यू कैन कमेंट डाउन कि कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट देखना है.